आप किसी भी बैंक से अगर लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। सिबिल स्कोर अच्छा होने पर ही आपको लोन मिलना संभव हो पाता है। लेकिन क्या आप सरकार चुनने से पहले उसका सिबिल स्कोर चेक करते हैं? क्या आप वोट देने से पहले अपने नेता का सिबिल स्कोर देखते हैं? देश में अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव के सेंटर में दो बड़े नेता हैं। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीते दो टर्म से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यरत हैं, तो वहीं विपक्ष के पोस्टर बॉय हैं राहुल गांधी, जिनकी पार्टी 2014 से पहले एक लंबे वक्त तक देश में सरकार चला चुकी है। ऐसे में आज समय है मोदी सरकार के सिबिल स्कोर को चेक करने का, और आप भी इस डिटेल्ड सिबिल स्कोर को जरूर देखिएगा। यह आपके सामने आपकी सरकार की एक क्लियर पिक्चर पेश करेगी और इस सिबिल स्कोर को हम पुरानी सरकार के सिबिल स्कोर के साथ भी मिलाकर देखेंगे और देखेंगे कि दो सरकारों के सिबिल स्कोर से कितनी बदली है देश की आर्थिक तस्वीर। इलेक्शंस के बीच सॉल्व आउट करेंगे आपकी हर एक क्वेरी, और ऐसे में चलिए शुरू करते हैं आज का इंडिया स्टोरी। किसी भी देश का विकास जिस गाड़ी पर चलता है उसके चार पहिए होते हैं, यानी कि एक पहिया होता है सामाजिक विकास का, दूसरा पहिया होता है आर्थिक विकास का, तीसरा और चौथा पहिया होता है शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास का। इनमें से एक भी पहिया अगर पंचर होता है तो देश का विकास वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि गाड़ी के पहियों की तरह ही विकास की गाड़ी के भी आगे वाले पहिए ही ज्यादा घिसते हैं। ऐसे में ज्यादा घिसने वाले विकास के पहियों को अगर आप क्लब करेंगे तो तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाती है। और क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं तो आपसे एक फेवर चाहती हूं, महिलाओं के एंगल से एक तस्वीर दिखाती हूं, जिसके लिए मैं सबसे पहले एक आंकड़े वाली कहानी आपको सुना देती हूं। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, यहां के कुछ इलाकों में पानी के लिए एक महिला को साल में भारत से अमेरिका जाने तक के बराबर की दूरी को तय करना पड़ता है। इन इलाकों में एक महिला अपने जीवन काल में अनुमानित रूप से इतना चल लेती है कि वो चांद के बराबर दूरी तय कर ले। जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी और इस तरीके की खबरें देखती थी, सुनती भी थी, तो मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति होती थी कि एक महिला के सिर ही घर के लिए पानी लाने का बोझ क्यों था। आपने कभी सिर पर मटका रखकर भरी हुई चिलचिलाती धूप में दूर दूर तक पानी के लिए संघर्ष करते हुए पुरुषों को शायद ही देखा होगा। और इसके साथ साथ हमारे देश में ये बेहद आम है कि शौच के लिए महिलाएं सुबह तारों की चमक के हिसाब से, यानी कि अंधेरे में, बहुत दूर खेत में जाया करती थी। महिलाएं घर के किचन में चावल के डिब्बों में पैसे, यानी कि वो नोट, छिपा कर रखती थी। अगर उन्हें अपने लिए साड़ी भी लेनी होती थी तो वो अपने पति या पिता से मांगा करती थी। उनका किसी बैंक में कोई खाता क्योंकि हुआ ही नहीं करता था। लेकिन ये तस्वीर अब आनी बंद हो चुकी है। इसका ये मतलब भी नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ, ऐसी तस्वीरें अब आम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नल जल योजना, स्वच्छ भारत योजना और जनधन खाता योजना, ये तीन योजनाएं जिन समस्याओं का मैंने अभी अभी जिक्र किया उनके लिए शूटर साबित हुई है। ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल मैंने इस वक्त आपके सामने रखा, जो इस पूरी इंडिया स्टोरी का आप एक ट्रेलर भी मान सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सरकार के सिबिल स्कोर में रीड मोर पर क्लिक करते हैं, जहां से हमें ये पता लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
2014 में मनमोहन सिंह के बाद जब सत्ता संभाली थी तब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जो कि आज 308 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना काल में जिस बुरी स्थिति में, जिस तरीके से बोरबिल में गिरने वाली स्थिति होती है, वैसी स्थिति उस वक्त थी और उसका मोदी सरकार ने नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में ही सेफ रेस्क्यू कर लिया। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 7.6% की प्रभावशाली ग्रोथ को दर्ज कर इसे रेजुविनेट किया है और इसमें हमें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एक बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। ये कहानियां देश की गुड बुक्स में लिखी गई हैं, तो बीजेपी ने इसे अपने चुनावी युद्ध घोष में शामिल कर लिया है और ये तीसरी बार बहुमत हासिल करके उसकी बोली का मूल मंत्र बन गई है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार 5 साल का ब्लूप्रिंट ही पेश नहीं कर रही, बल्कि वो 2047 विजन ऑफ 2047 की बात कर रही है, जो कि पॉलिटिकल स्टूडेंट्स के लिए एक केस स्टडी हो सकता है। यहां पर यह भी एक केस स्टडी हो सकता है कि कैसे एक प्रधानमंत्री एक कार्यकाल में देश को 5वीं से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा कर पा रहे हैं। ये सब पढ़ने की चीजें हैं, क्योंकि किसी पेड़ की जड़ की तरह इसमें भी कई दिशाओं में निकली हुई कहानियां और स्ट्रैटेजीज शामिल हैं, जो आपको और ज्यादा क्लैरिटी देती है। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं और भारत में चुनावों की बात करते हैं, जो कि कई आधारों पर जीते और हारे जाते हैं, चाहे वो भावना हो, धारणा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, राजनीतिक स्थिरता हो या फिर परिवार और जाति संबंधी विचार हो। लेकिन आर्थिक मुद्दे सभी डिविजन्स को तोड़ते हैं और कई मौकों पर नतीजे भी तय करते हैं। उदाहरण के लिए, आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी 1980 में जनता पार्टी सरकार को हटाने के लिए प्याज की बढ़ती हुई कीमतों को अपने मुख्य अभियान के रूप में इस्तेमाल करते हुए सत्ता में वापस आई। साल 2009 में अर्थव्यवस्था के मामले में उस समय की सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा पेश करते ही मनमोहन सिंह ने सरकार को रिपीट किया था। जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जनता के सामने अपनी जो फाइल रखी उसमें जन कल्याणकारी योजनाओं को रखा, जिसमें मुख्य रूप से मनरेगा को हाईलाइट किया गया। ये कुछ वैसा ही था जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी की गारंटी को सामने रखा, जो कि विकास, समावेश और विश्वास पर आधारित।